हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे तो कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे ठीक होंगे तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सत्रह तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे तो देखिए सत्रह तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा और जो मैं आप लोगों को सत्रह तारीख के लिए लाइन दिखाने वाला हूँ लाइन बहुत ही अच्छा होने वाला है और उसी लाइन के हिसाब से यहाँ पर सत्रह तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तो गेम देखने से पहले लाइन देखने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ आपको पास में एक बेल आइकन मिलेगा उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ठीक है तो अभी यहाँ पर देखिए सबसे सब पहले यहाँ पर देखिए लाइन देखेंगे ठीक है लाइन देखेंगे तो देखिए लाइन कहाँ से देखेंगे लाइन यहाँ पर सोलह तारीख की गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे जो कि सोलह तारीख की गेम से देखिए ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे उसके बाद जोड़ी गेम से सेकेंड लाइन देखेंगे उसके बाद क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे मतलब कि तीन लाइन देखेंगे तीन लाइन देखेंगे तीन लाइन के हिसाब से यहाँ पर सत्रह तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिखेंगे जो कि देखिए ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए जो सोलह तरह के गेम में सोलह तरह के गेम में ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए फोर सिक्स जीरो कांक बाद सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिखेंगे तो जोड़ी गेम में अभी यहाँ पर देखिए जीरो टू का जोड़ी गेम उसका थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं तो क्लोज पैनल पे पर देखिए देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे उसके बाद सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे ठीक है <coughs> तो देखिए अभी यहाँ पर देखिए जो ये तीनों लाइन देखेंगे सबसे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा जो हम ये लाइन देखेंगे लाइन के बारे में बात करेंगे जो मैं आप लोगों को ये लाइन समझाऊंगा इसको आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा लाइन को स्किप गा, मत कीजिएगा क्योंकि देखिए आप लोग लाइन को स्किप करके देखोगे वीडियो को पूरा नहीं देखोगे आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आएगा बाद में आप लोग खुद बोलोगे कि कहाँ से क्या हुआ वीडियो समझ में नहीं आया तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो की शुरुआत में ही कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइन जो मैं आप लोगों को समझाऊँगा लाइन को भी आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा तो अभी तो अभी सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट लाइन देख लेते हैं तो फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे तो ओपन पैनल के पे यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेंगे जो कि ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए फोर सिक्स जीरो कांक तो ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए फोर सिक्स जीरो का अंक तो देखिए फोर और सिक्स को जोड़ेंगे फोर और सिक्स को जोड़ेंगे टेन का अंक बनेगा टेन से ज़ीरो को लिखेंगे वन रहने देंगे उसका सिक्स और जीरो को जोड़ेंगे तो जैसे कि आप लोगों को पता है ज़ीरो का वैल्यू वन ज़ीरो की जगह पर वन तो सिक्स और वन को जोड़ेंगे सेवन का अंग बनेगा और वन जो रह गया था उसको लेंगे फिर से एट का अंग बनेगा उसके बाद देखिए फिर से ज़ीरो का वैल्यू वन तो वन और एट को जोड़ेंगे नाइन का अंग बनेगा वन और एट को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से सेवन का अंग बनेगा तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए नाइन और सब नाइन और सेवन कांग देखने को मिला है तो लाइन और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ ये फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से तो देखिए लाइन और एक बार क्यों समझेंगे देखिए ये भी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ क्योंकि देखिए बहुत लोगों को एक बार में लाइन समझ में नहीं आता है तो और एक बार लाइन समझाने से उन लोगों को समझने में आसानी होता है और देखिए अगर एक बार लाइन करने में अगर कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक होता है तो और एक बार लाइन समझने से वो भी पता चल जाता है तो इसीलिए लाइन और एक बार समझेंगे ठीक है तो फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से तो ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए फोर सिक्स जीरो का अंक तो फोर और सिक्स को जोड़ा टेन का अंक बना टेन से जीरो को लिखा वन रहने दिया उसका बाद सिक्स और वन को जोड़ा सेवन का अंक बना और वन जो रह गया था उसको लिया एट का अंक बना क्योंकि ज़ीरो का वैल्यू वन जीरो की जगह पर वन उसके बाद देखिए फिर से ज़ीरो का वैल्यू वन तो वन और एट को जोड़ा नाइन का अंक बना वन और एट को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से सेवन कांग देखने को मिला है तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए नाइन और सेवन कांग देखने को मिला है तो अभी यहाँ पर इसको इरेस करके यहाँ पर साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं जो कि <coughs> यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए नाइन और सेवन कांग देखने को मिला है तो अभी यहाँ पर सेकेंड लाइन देखेंगे सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं तो जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए जीरो टू का जोड़ी गेम तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है ज़ीरो का वैल्यू वन तो देखिए वन और टू को फिर से जोड़ देंगे तो वन और टू को जोड़ेंगे थ्री का अंग बनेगा वन और टू को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से वन का अंग बनेगा तो सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए थ्री और वन का अंग देखने को मिला है तो अभी इसको भी यहाँ पर इरेस करके यहाँ पर साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं जो कि यहाँ पर देखिए सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए थ्री और वन कांग देखने को मिला है तो अभी यहाँ पर थर्ड लाइन देखेंगे थर्ड लाइन क्लोज पनल से देखेंगे तो क्लोज़ पनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए वन वन जीरो <coughs> तो देखिए वन और वन को जोड़ेंगे वन और वन को जोड़ेंगे टू का अंक बनेगा उसका देखिए फिर से ज़ीरो का वैल्यू वन तो फिर से वन और वन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से टू का अंक बनेगा उसके बाद देखिए टू और टू को फिर से जोड़ देंगे टू और टू को जोड़ेंगे फोर का अंक बनेगा उसका टू और टू को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से ज़ीरो का अंक बनेगा तो थर्ड लाइन में क्लोज़ पैनल से भी यहाँ पर देखिए फोर और जीरो का अंक देखने को मिला है तो लाइन और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ जो कि थर्ड लाइन क्लोज पैनल से तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए वन वन जीरो कांग तो वन और वन को जोड़ा टू कांग बना उसके बाद वन और वन को जोड़ा फिर से क्योंकि जीरो का वैल्यू वन तो फिर से वन और वन को जोड़ा फिर से टू कांग बना उसके बाद देखिए टू और टू को जोड़ा फोर कांग बना उसका टू और टू को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से ज़ीरो कांग देखने को मिला है तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए फोर और जीरो कांग देखने को मिला है तो अभी इसको भी यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं जो कि यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए फोर और जीरो कांग देखने को मिला है <coughs> तो अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए नाइन और सेवन कांग देखने को मिला है उसके बाद सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए थ्री और वन कांग देखने को मिला है उसके बाद थर्ड लाइन में क्लोज पेनल भी यहाँ पर देखिए फोर और जीरो कांग देखने को मिला है तो अभी जो यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन तीनों लाइन से और एक और एक करके लाइन देखेंगे उसके बाद यहाँ पर गेम देखेंगे ठीक है तीनों लाइन से और एक और एक करके लाइन देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन में तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए नाइन और सेवन कांग देखने को मिला था तो देखिए जो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से देखने को मिला है इसको यहाँ पर देखिए फिर से जोड़ देंगे ठीक है तो फर्स्ट लाइन में अपन पैनल से नाइन और सेवन का अंक देखने को मिलता है तो नाइन और सेवन को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से सिक्सटीन का अंक बनेगा वन और सिक्स का अंक अभी वन और सिक्स को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से फाइव का अंक बनेगा तो पहले हमने क्या किया पहले प्लस किया उसके बाद माइनस किया उसके बाद फाइव का अंक देखने को मिला है फर्स्ट लाइन में ठीक है उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए सेकेंड लाइन में तो सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से थ्री और वन कांग दिखने को बड़ा था इसको यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्लस कर देंगे ठीक है तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से थ्री और वन कांग दिखने को बड़ा था तो थ्री और वन को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से फोर कांग बनेगा उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में तो थर्ड लाइन में क्लोज पनल सब यहाँ पर देखिए फोर और जीरो कांग दिखने को बड़ा था तो जैसे कि आप लोगों को पता है ज़ीरो का वैल्यू वन जीरो की जगह पर वन तो देखिए जो थर्ड लाइन में क्लोज़ पनल से देखने को मिला है इसको भी यहाँ पर देखिए फिर से जोड़ देंगे तो थर्ड लाइन में क्लोज़ पेनल से फोर और जीरो का अंग दिखने को मिलता है जीरो का वैल्यू वन तो फोर और वन को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से फाइव का अंग बनेगा लेकिन देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से फाइव का अंग पहले से तो देखने को मिला है तो इसलिए जो थर्ड लाइन में क्लोज़ पैनल से फाइव का अंग देखने को मिला है फाइव के अंक को नहीं देखेंगे फाइव की फैमिली को देखेंगे जो कि यहाँ पर देखिए फाइव का फैमिली जीरो का अंग क्योंकि फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से फाइव अंक पहले से दिखने को मिला है इसीलिए ठीक है तो <coughs> तो अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर दिखिए फाइव अंक दिखने को मिला है उसके बाद सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर दिखिए फोर अंक दिखने को मिला है उसके बाद थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से यहाँ पर दिखे जीरो अंक दिखने को मिला है तो अभी यहाँ पर और एक अंक देखेंगे और एक अंक क्या देखेंगे देखिए दिखे? जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से फाइव अंक दिखने को मिला है और फाइव के फैमिली थर्ड लाइन में क्लोज पनल से यहाँ पर देखिए जीरो कांग देखने को मिला है तो सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से फोर कांग देखने को मिला है तो फोर के फैमिली को और एक अंक में देखेंगे जो कि यहाँ पर देखिए फोर का फैमिली नाइन कांग ठीक है फोर का फैमिली नाइन कांग इसको और एक में देखेंगे तो अभी यहाँ पर इन सबको रेस करके यहाँ पर गेम में देख लेते हैं उसके बाद में आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग ओडिस गेम में यहाँ पर देखिए स्ट्रोंग ओडिस गेम में यहाँ पर देखिए फोर और नाइन कांग देखने को मिला है उसके बाद नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए जीरो और फाइव कांग देखने को मिला है तो गेम देखने को मिल गया जो कि यहाँ पर सत्रह तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए और देखिए आप लोगों को एक और, और एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए वीडियो को लाइक करने में शेयर करने में चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता है एकदम फ्री में आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलते ऐसे नए वीडियो में तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद